हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक व्लॉग लेकर के आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी खाना बनाने की, क्योंकि मैंने घर पे कीर्तन रखवाया था। पीछे कुछ महीने पहले मेरी राधा रानी जी को चोट लग गई थी, वो गिर गई थी, तो उनकी एक बाजू और एक पैर निकल गया था, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने तभी कहा था कि जब मेरी राधा रानी जी वापस आएंगी तो मैं एक कीर्तन रखवाऊंगी घर पे। तो ये उसी की तैयारी चल रही है। हमारे कुक आ चुके हैं, जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज में बोटी बोला जाता है जिनको। तो ये हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप इसे इस तरह से करो, क्योंकि मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने अपने आप से कोई चीज़ करवाई हो, क्योंकि घर पे बड़े जो होते हैं हमेशा वही करवाते हैं, मैंने आज तक देखा था। तो ये हमारे बोटी जी ने बोला कि आप पहले चूल्हा पूजन करो, उसके बाद से ही खाना बनना शुरू हो जाएगा। तो हल्का सा तड़का चढ़ा दिया गया था, जो हमारी लोकल धाम बनती है उसमें से कुछ आइटम्स मैंने सेलेक्ट की थी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आने वाले थे, इसलिए कुछ एक सिलेक्टेड आइटम मैंने यहाँ पे बनवाई थी। तो यहाँ पे हमने चूल्हा पूजन किया और जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। ये मेरे मदर हैं यहाँ पर, और मेरी बेटी, मेरा बेटा, और ये हस्बैंड मेरे तिलक लगा रहे हैं मदर को। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो भी मीठा प्रसाद था वो दे रहे थे। हम नहीं खा सकते थे क्योंकि हमें शुगर है, मुझे और मेरी मदर को, तो हम मीठा नहीं खाते हैं। तो इसके बाद मेरे कुछ बेटे के दोस्त थे यहाँ पे, और मेरी सिस्टर थी और मेरी बेटी, और ये मैं अपने हस्बैंड को तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें तिलक लगाना ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस्कॉन संस्था के द्वारा अपने घर में कीर्तन रखवाए हैं। मैं लास्ट वन ईयर से, वन एंड हाफ ईयर से इस्कॉन संस्था को फॉलो कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें ख़त्म करते करते हमारा कीर्तन का टाइम भी हो चुका था। इसी के साथ में हमारे डिवोटीज़ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए। अपनी इस्कॉन डिवोटीज़ का वेलकम करते हुए एक अलग ही खुशी हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश में भी अगर कोई आपके घर में छोटे से फंक्शन के लिए भी पहुंच जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और एक इस्कॉन संस्था ऐसी है, हमारे डिवोटीज़ ऐसे हैं, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, अगर हमें कीर्तन में जाना है तो हमें जाना ही जाना है। यहाँ पर जैसे ही हमारे डिवोटीज़ पहुंच रहे थे तो मेरे बाल गोपाल जी और ठाकुर जी विराजमान थे राधा रानी जी, उनको देख करके सभी ने दंडवत प्रणाम किया। हमारे इस्कॉन का रूल है, जब भी हम कहीं मंदिर में जाते हैं, कुछ भी है, हम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से सभी ने दंडवत प्रणाम किया, और इसके बाद धीरे धीरे करके बाकी के डिवोटीज़ भी आना शुरू हो गए। ये हमारे अनुकूल प्रभु जी हैं, बहुत प्यारे और बहुत ही सरल स्वभाव से हमें सबको समझाते हैं। तो ये सारा सिस्टम हमारा इस्कॉन का अपना ही होता है। जब कीर्तन करवाने के लिए जाते हैं तो ऐसा कोई भी तामझाम नहीं बताया जाता है, क्योंकि यह हमने खुद रखा होता है अपने सेंटर में। तो ये चंद्रवर्धन प्रभु जी हैं हमारे, ये भी बहुत सरल और बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। इनसे मिलकर के मुझे वाकई में पता लगा कि भक्ति क्या होती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक संस्था के नाम से जुड़ते हैं, आपको जो भी गुरु प्रिय लगते हों आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और इसी तरह से सिलसिला हमारा बढ़ता चला गया, आगे से आगे डिवोटीज़ आते गए, और मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती रही कि अपने रिश्तेदार से ज़्यादा हमारे डिवोटीज़ आए थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ चल रही हूँ आगे, जिससे कि प्रेम और स्नेह मिलता जाता है। अभी कीर्तन चलते चलते बहुत टाइम हो चुका था, इतनी देर में हमारा प्रसाद भी रेडी हो चुका था। तो मैं अभी प्रसाद की प्लेट लेकर के आई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। मैंने प्रभु जी से आग्रह किया कि आप आज मेरे जितने भी बाल गोपाल जी और ठाकुर जी और राधा रानी जी विराजमान हैं, आज आप अपने आप से भोग लगाएं। तो इस तरह से हमारे प्रिय अनुकूल प्रभु जी ने भोग की तैयारी की, और भोग लगाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। मुझे बहुत अच्छा लगा, रोज़ तो हम करते हैं ना, हमारे सीनियर डिवोटीज़ जब आते हैं और ये सारी चीज़ें होती तो मन को ना एक अलग ही खुशी मिलती है। इसी के साथ में आप सुन रहे होंगे कि निरंतर हमारे यहाँ पे माला जाप चल रहा है, हमारे यहाँ पे हरी नाम माला जाप चल रहा है, सब कर रहे हैं, और मेरे घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ चुकी हुई थी, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ।
और इसके बाद आप देख सकते हैं ये झलकियाँ। सब इतने ज़्यादा खुश थे कि अपने आप ही उठ गए थे। और यहाँ पे सब जितने भी लोग आए थे उन्होंने बाद में यही कहा कि इतने अच्छे कीर्तन है, आप नेक्स्ट टाइम कब करवाओगे, मुझे भगवान की कृपा चाहिए। और ये देखिए मैंने आपको कुछ झलकी दिखाई अपनी राधा रानी जी की, और साथ ही में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी माधव के साथ जो हमारे न्यू फैमिली मेंबर हैं। कीर्तन में कुछ एक चेहरे ऐसे भी थे जिनको मैं कभी नहीं जानती थी, मेरे पड़ोसी थे, थोड़े इधर उधर के लोग थे जिनको मैं नहीं जानती थी, बट कुछ मेरे बच्चों ने उनको इनवाइट किया था, कुछ खुद से आए थे अपने आप से कि वो आना चाहते थे। बस लाइफ में मैं ये चाहती हूँ अपने प्रभु से कि इस तरह से निरंतर लोग भक्ति में जुड़ते रहें और अपना आगे आने वाला रास्ता सीधा करते रहें। और साथ ही में ये मेरी सिस्टर है और इसकी बेटी है जो कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा देख करके डर जाती है, इसलिए मेरी सिस्टर ने उसको पकड़ा हुआ है और वो सबको देख रही है। ये छोटी सी हमारी राधा रानी जो घबरा रही है सभी से, ये देखो बीच बीच में रो भी रही है, ये थोड़ा डर जाती है। हम वृंदावन गए थे ये तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ में डर जाती है, छोटे बच्चे होते हैं। तो इस तरह से हमारा कीर्तन आगे बढ़ता रहा, सभी को बहुत मज़ा आया। तकरीबन यहाँ पे जितने भी हमारे डिवोटीज आए हुए थे और भी आए हुए थे, इन्होंने कम से कम भी तो आधे घंटे से ज़्यादा इस तरह से डांस किया है। दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा था बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने आगे फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को अपलोड किया है। अभी वीडियो अपलोड करते हुए मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। उस दिन मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं ये कुछ भी देख नहीं पाई, मैं बीच बीच में आ रही थी। यहाँ पे सब इतने ज़्यादा बिजी थे, कोई भी प्रसादम नहीं पाना चाहता था, और मैं बहुत बार बोल चुकी थी कि प्रसादम रेडी है कि प्रभु जी माता जी आकर के खा लीजिए, बट कोई भी यहाँ से आने के लिए तैयार नहीं था। फिर थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गई, मैंने सोचा कि ये आनंद आगे शायद बहुत देर के बाद मिलेगा ज़रूर, बट बहुत देर के बाद मिलेगा, तो इससे अच्छा मैं इनको इस आनंद से अलग नहीं करती हूँ, और ये जब यहाँ से थक जाएंगे उसके बाद इनको प्रसादम पवाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ राधा रानी जी मेरी, ये इस तरह से मैंने इनको बहुत ही भारी मन से पैक करके भेजा था। तो ये हालत हो चुकी थी मेरी राधा रानी जी की, मैंने इनको आप मेरे स्क्रीनशॉट्स में देख रहे होंगे लड्डू गोपाल जी के जो डॉक्टर हैं उनके पास भेजा था। तो इस हालत में मेरी मैया पहुँचे थे, मन बहुत भारी था और इनके यहाँ पे लाला इंतज़ार कर रहे थे, और ये इस तरह से उन्होंने एक महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद मुझे पैक करके इन्हें भेजा। बट जब राधा रानी जी मेरे पास आई तो उनका जितना भी श्रृंगार था वो ख़राब हुआ पड़ा था गर्मी होने और मॉइस्चर होने के कारण। ये देखिए उन्होंने, उनका कहना था कि दो बार श्रृंगार किया पर दोनों बार ख़राब हो गया, और उन्होंने, मैंने कीर्तन रखवा दिए थे इसलिए उन्होंने जल्दी भेजा राधा रानी जी को, और राधा रानी जी मेरी इस तरह से श्रृंगार खराब कर चुकी थी। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाऊंगी अपने माधव के, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।